प्रभु की शीत प्रसादी पीतांबर में समेटने लगा। आंखों से अश्रु पात हो रहा है, रोमावली पुलकित हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, हृदय गदगद हो गया। यशोदा मैया आई, कान पकड़ के चपत लगाने लगी तो हाथ पकड़ लिए, मैया मत मारो, ये साधारण बालक नहीं है, ये तो श्री हरि तेरे आंगन में लीला संपन्न कर रहे हैं। यशोदा ने सोचा भूख के मारे ब्राह्मण का माथा खराब हो गया, इसलिए अल्लबल बकरा। माँ के वात्सल्य के सामने भगवान का ऐश्वर्य काम नहीं आ रहा। मेरे श्याम सुंदर सबके चित्त चुराते हैं, मंद मंद मुस्कान पे सब बली बली जाते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। अलवार संतों की परंपरा चलती है ना, वहाँ एक बहुत संतों की टोलियाँ चलती हैं, तो उनके बीच में एक बात चलती है कि भगवान का जो भजन करते हैं, प्रभु के चरणों में जो समर्पित रहते हैं, तो उनको सिद्धि की दरकार नहीं रहती। अगर आप सिद्धि को स्वीकार करते हो तो वो भी अच्छा नहीं होता, और सिद्धि को इनकार करते हो तो उससे भी अहंकार आता है। सिद्धि की उपेक्षा ही कर देनी चाहिए, और भक्ति ज्ञान तप तपस्या साधना सिद्धि अर्जित करने के लिए नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस से पूछा जाता कि परमहंस जी बताइए सिद्धि किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि कठोर चावल जब पक जाता है ना तो उसमें कण नहीं रहता, उसको कहते हैं सिद्ध हो गया। जब व्यक्ति में अहंकार की का कण नष्ट हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है। अभिमान रहित व्यक्ति सिद्धो भवति। कोई पारद को सिद्ध करके सेवन करे तो वो सिद्ध हो जाता है, परंतु अमृत स्वरूपा भक्ति का सेवन करे तो भक्त के जीवन में स्वयं अमृत आ जाता है। ये जो ज्ञानेश्वर महाराज थे ना, इनके साथ नामदेव जी महाराज यात्रा कर रहे थे, और ज्ञानेश्वर जी को तो बचपन से सिद्धि प्राप्त थी। मरु प्रदेश में गए तो वहां प्यास लगी, एक कुआं था, कुआं बहुत नीचे तक, उसमें जल नहीं था, दूर तारे जैसा पानी दिख रहा था। तो ज्ञानेश्वर जी ने अपनी सिद्धि से वो कुएं के भीतर गए, लोटा भर के पानी ले आए और नामदेव जी को कहा पी लो। नामदेव जी बोले नहीं, मैं सिद्धि का जल नहीं पीऊंगा, मैं तो अपने बिट्ठल के हाथों का जल पीऊंगा। मेरे प्यारे, मैं सिद्ध तो नहीं हूं पर आपका भक्त हूं, मैं प्यासा हूं बिट्ठल, और मैं प्यासा हूं तो आप भी तो प्यासे होंगे। नामदेव के नेत्रों से कुएं में दो बूंद आंसू गिर गए और कुआं ऊपर तक जल से भर गया। नामदेव ने प्रभु के उस प्रभु को जल अर्पित किया और स्वयं भी पान किया। ये भक्त की सिद्धि है, और भक्त की सिद्धि क्या है? भक्त की सिद्धि भगवान की लीला है। जो भक्त होता है वो विचार करता है और वस्तु सामने आकर खड़ी हो जाती है, सिद्ध नहीं है पर भगवान को समर्पित है, और भगवान को समर्पित चित्त वृत्ति ऐसी होती है जिसके लिए भगवान भी स्वयं आकर आबद्ध हो जाते हैं। इसलिए दक्षिण भारत के आलवार संतों के बीच में ये चर्चा चलती। एक महात्मा अपनी कुटिया में बैठा है और कुटिया इतनी छोटी सी है कि वो लेट सकता है बस। महात्मा के मन में आया कि बाहर बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, अगर कोई दूसरा साधु आया तो, अगर कोई दूसरा साधु आया तो दोनों बैठ के भजन करेंगे। इतने में दूसरा साधु आ गया, दोनों बैठ के भजन करने लगे। फिर दोनों के मन में आया कि अगर तीसरा साधु आया तो बैठ नहीं सकेंगे,
खड़े खड़े रात भर भजन करते रहेंगे। तो तीसरा साधु आ गया, तीनों खड़े खड़े भजन करने लगे। फिर तीनों के मन में आया कि अगर चौथा साधु आ गया तो फिर आया कि सट के खड़े हो जाएंगे एक दूसरे से और फिर भजन करेंगे। चौथा साधु आ गया और चारों सट के खड़े हो गए। जब चारों सट के खड़े हुए तो तीनों की आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोमांच होने लगा, हृदय गदगद होने लगा, रोमावली पुलकित हो गई और तीनों की दृष्टि चौथे पे गई। तो वो चौथा साधु नहीं था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गए। सिद्धो भवती, भक्त सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करता, इच्छा या संकल्प नहीं करता, लेकिन उसके जीवन में भी अद्भुत चमत्कार होते। जिसको कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ परम पिता परमात्मा के सिवा जो कुछ नहीं चाहता। लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ भारत के लोग बड़े भक्त हो गए हैं, अब तो मंदिरों में बड़ी भीड़ लगती है। तो ये भगवान के भक्त हैं या भगवान से मिलने वाली वस्तु के भक्त हैं? तुम तो जाने कितने सारे पाखंडियों के पीछे लग जाते हो, और कोई कह दे कि तुम अपनी मूर्तियां घर से निकाल दो तो जाने कितने हिंदू हैं मूर्तियां निकाल निकाल के पेड़ के नीचे छोड़ आते। अगर तुम्हें चटपट कोई वरदान देने वाला देवता मिल जाएगा तो तुम अपनी राम कृष्ण की परंपरा को त्याग दोगे क्या? इसे निष्ठा कहते हैं क्या? ये तो व्यवचारणी भक्ति है, इसलिए व्यवचारणी भक्ति मत कीजिए, अव्यवचारणी भक्ति, नैष्ठ की निष्ठा में जियो। वस्तुओं के लिए परमात्मा को नहीं पुकारा जाता देवियों। वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए तो मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, और भगवान को तो भगवान के लिए ही चाहा जाता है। देखो कैसी मुस्कान है, तेरे नयन अजब मतवारे, तेरे नैन अजब मतवारे, मटके हो काले काले, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, सुंदर ने एक दिन बड़े से भांड में अपना हाथ डाला, मक्खन मक्खन के भांड में, और फिर स्फटिक के स्तंभ में देखा अपने प्रतिबिंब को, और उन्हें लगा कोई दूसरा है। बोले मैया छे मत बोलना, लो तुम भी खा लो, अपने प्रतिबिंब को मक्खन खिला रहे। मैया आई, श्याम सुंदर, नीलमणि, क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो? नीलमणि बोले, नहीं मैया, चोली नहीं कल्ला, ये जो तुमने विद्युम के कंगन पहनाए हैं ना, इच्छे मिले हाथ को बहुत ताप लगता है, इसलिए मैं मक्खन के बांध में डाल के अपना हाथ ठंडा कल्ला था। मैया बोली, हाँ लाल जी, अपना मुंह अपनी जीभ भी ठंडी कर रहे थे। घर के अंदर ही अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। समस्त गोपांगनाओं को लगता है कि मेरे घर का मक्खन खाए, श्याम सुंदर मुझे दर्शन दे। तो कन्हैया ने चौर प्रसारणी मंडली बनाई, उसके अध्यक्ष स्वयं बन गए। आज किस घर में चोरी करने जाना? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जोगेश्वर भगवान कृष्ण क्या मक्खन की चोरी करेंगे? ये मक्खन की चोरी है, चित्त चुराने की प्रक्रिया है, ये मटकियां तोड़ना नहीं है, ये अहंकार के मटके तोड़ना है। सारे ग्वाल बाल जब पूरा समाज सिंचित हो जाएगा दूध दधी से, तब बेचने जाएंगे मथुरा, उसके पहले मथुरा में दूध दधी बिकने नहीं जाएगा। मेहनत करें ग्वाल और सेठ खाएं माल, ये नहीं चलने वाला। इसलिए क्रांति थी भगवान की, हर जगह से निमंत्रण आता है, आज मेरे घर, आज मेरे घर, आज
एक गोपी ने क्या किया, मटकी पे घंटी बांध दी कि चोरी करने आएंगे तो घंटी बज जाएगी। तो श्याम सुंदर गए, कहा घंटी बजियो मत। सब ने जी भर के मक्खन खाया। जैसे ही कन्हैया ने मुंह में मक्खन रखा तो टन 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 घंटी बज गई। गोपी की आंख खुल गई। कन्हैया बोले, घंटी मैंने कहा था बजियो मत, तुम क्यों बजी? घंटी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कृष्ण कन्हैया लाल, सारे वेद शास्त्र कहते हैं जब श्याम सुंदर को भोग लगे तब घंटी जरूर बजनी चाहिए, इसलिए मैं वेद शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रही थी। चारों तरफ धमा चौकड़ी मची रहती है। उलाहना देने के बहाने गोपियां आती हैं, लेकिन उलाहना तो बहाना है, दर्शन तो श्याम सुंदर का पाना है। उपवासी आंखें, उनका पारण कब होगा? जब श्याम सुंदर का दर्शन होगा। चले हम माखन चोरी की लीला का दर्शन करते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।